अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एमएस खान लाइफ ओके न्यूज से एक बार फिर आपके बीच हूँ। और अभी हमारे समक्ष एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी विकट स्थिति है जिससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं। लेकिन कोविड भले ही एक लाइलाज हो, लेकिन अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क को अपनाएंगे तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। जो गलतियां हमसे पिछले सेशन में हुई, अगर हम उन गलतियों को इस सेशन में नहीं दोहराएंगे तो हम ज़रूर इस वायरस की चेन तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। हमें देखने में आ रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछते हुए गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, जो कि मैं इसकी निंदा करता हूँ। और जो लोग धार्मिक बनने की कोशिश में धर्म स्थलों में हुजूम लगा रहे हैं, मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूँ। अभी इस वक्त में आप ईश्वर को अगर याद करना चाहते हैं तो आप घर से भी याद कर सकते हैं, केवल आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन सच्ची होनी चाहिए। और आप इस बीमारी के लिए, जो मुसलमान है सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, और जो हिंदू है सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, जो सिख हैं सिर्फ सिखों के लिए ही नहीं, जो ईसाई हैं सिर्फ ईसाइयों के लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया के लोगों के लिए, पूरे आलम के लोगों के लिए इस वक्त एक साथ खड़े होकर उस ईश्वर को रुझाने की कोशिश करें जिसको हम बार बार अपने प्रयासों से रूठ जाने को कहते हैं। ईश्वर से, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, इस प्रकोप को, इस बीमारी को, इस वबा को इस दुनिया से दरगुजर फरमा, इस दुनिया से इसको विलुप्त कर दे, डिसअपियर कर दे, क्योंकि लोग अपनों को खोते खोते टूट से जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस तरह से टूट जाएं कि फिर उनको ऊपर उठाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारी सरकारों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। जब पिछले सेशन में बीमारी नहीं थी तो लोगों का कोविड से उपचार हो रहा था, लेकिन अब जब सबसे ज्यादा जरूरत है, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए का इलाज देने की बात करता है, कहाँ है वो? कहाँ है वो सुविधाएं? लोग कोविड से भी मर रहे हैं और भूख से भी मर रहे हैं और दूसरी बीमारियों से भी मर रहे हैं, लेकिन इस तरह से गूंगी बहरी बनकर अगर हमारे लोग बैठेंगे। हालांकि राज्य सरकारें अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं और केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन उनका प्रयास काफी नहीं है, उसमें और इजाफा करने की जरूरत है। लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने की जरूरत है। जो लोग कोविड पॉजिटिव भी आए हैं तो उनको आइसोलेशन के नाम पर इस तरह से नहीं रखा जाए कि वो ज़हनी तौर पर बीमार होकर कोविड से कम और दहशत से मर जाएं। हमको आइसोलेशन में उनको इस तरह से रखना है कि वो सिर्फ इस बीमारी से बचने के लिए हैं, ना कि उनसे कोई इस तरह से उनको नज़रअंदाज करे ताकि कोई हीन भावना उनके अंदर घर कर जाए और वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएं। जो भी लोग बीमारी के हालत में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, वो कोविड के पॉजिटिव मरीज क्यों ना हो, उनकी जो बीमारी है उसका इलाज भी चलना चाहिए और उसका भी इलाज चलिए। बिस्तर खाली नहीं होने के नाम पर, सिलेंडर का नहीं होने के नाम पर, ऑक्सीजन नहीं होने के नाम पर किसी को भी इस तरह से मरते नहीं छोड़ देना चाहिए। बल्कि आज जितने भी ग्राउंड्स हैं, चाहे वो जम्बूरी मैदान हो या लाल परेड ग्राउंड हो या दिल्ली का जम्बूरी मैदान हो या बड़े बड़े मैदान हो, इन सारे मैदानों में हमको बेड बनवा देने चाहिए। जब दूसरे देश की सरकारें भी हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है, मशीन की कमी नहीं हो रही है, तो हमें ज़रूरी नहीं कि अस्पताल ही हो, हम टेंट में भी ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर मशीनें रख करके लोगों का इलाज कर सकते हैं। बेड कम होने की कोई बात ही नहीं है, बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास काम करने की बात है। लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये महामारी सिर्फ थोड़े समय के लिए है। आपका जीवन बहुत अनमोल है, आप अपने जीवन से प्यार करिए, अपनों की और अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का खूब इस्तेमाल करें और लोगों से भी कहने को कहें ताकि हम इस कोविड-19 की चेन को ब्रेक करने में कामयाब हो पाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, चीफ एडिटर एमजे खान के साथ लाइफ ओके न्यूज़ से स्टेट ब्यूरो चीफ एमएस खान। हेलो दोस्तों, जय भारत। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से मुस्तकीम कुरैशी एक बहुत ही खुशी का पैगाम देना चाहता हूँ कि ये महामारी से लोग अब शिफा अता कर रहे हैं।
लोगों को शिफा हो रही है, हजारों लोग बेहतरीन तंदुरुस्त होकर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। आज तक किसी चैनल ने नहीं बताया इस बात को, बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे अपने अपने घर जा रहे हैं, बहुत तेजाई से लोग अच्छे हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लाइफ ओके न्यूज के माध्यम से कि भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें और असामाजिक तत्वों से दूर रहें और फालतू फेक न्यूजों से और फेक बातों से दूर रहें, क्योंकि बहुत सारे असामाजिक तत्व जो हैं वो हमारे देश के दुश्मन हैं। सब लोग ये धीरे धीरे वायरस दूर जा रहा है और बहुत सारे लोग घरों की ओर अच्छे स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, और हमारा लाइफ ओके न्यूज परिवार बेहतर स्वस्थ के लिए, आपकी बेहतर तंदुरुस्ती के लिए कामना करता है ईश्वर से, और ये प्रार्थना करता है कि आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, जियो और जीने दो, ये संदेश लाइफ ओके न्यूज देता है। खूब प्यार करो, प्यार को फैलाओ और लोगों को जियो और जीने दो का सबक दो, लोगों को हिम्मत दो कि भाई सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत दो एक दूसरे को। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये बीमारी के डर से ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो हमें डर को हटाना है, डर को खत्म करना है और स्टे सेफ एंड स्टे होम अभी भी जागरूक रहने की जरूरत है। अभी ये सेकंड वे है, थर्ड वे या फोर्थ वे या कोई भी है, इंशाल्लाह कभी आएगा ही नहीं, सेकंड वे पे इंशाल्लाह सब खत्म हो जाएगा। लाइफ ओके न्यूज ऐसी प्रार्थना करता है उस भगवान से, उस ईश्वर से कि बिल्कुल ये महामारी जा रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, और दिलों से भी निकालिए इस बीमारी को। लाइफ ओके न्यूज की तरफ से मैं मुस्तकीम कुरैशी, जय हिंद जय भारत।